हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम फ्रुलेनिया का स्पोरोफिटिक जनरेशन पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने उसके जनरल कैरेक्टर्स देखे, लास्ट वीडियोस में हमने जनरल कैरेक्टर्स पढ़े और उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी गैमेटोफिटिक जनरेशन जो था उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हमारा जाइगोट जब फॉर्म हो गया है तो हम आगे की जनरेशन को पढ़ते हैं, स्पोरोफिटिक जनरेशन आता है हमारा, तो उसके बारे में देखते हैं कि स्पोरोगोनियम का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, इसको समझते हैं। पहले जाइगोट जो है वो हमारा फर्स्ट सेल होता है स्पोरोफिटिक जनरेशन का। हमने पढ़ा ही है इसको, कई बार पढ़ा है इस बात को कि जाइगोट या उसको ओस्पोर भी कहते हैं, तो वो हमारा स्पोरोफिटिक जनरेशन का पहला सेल होता है जहाँ से स्पोरोफिटिक जनरेशन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो जाइगोट में हमारा क्या हो रहा है, फर्स्ट ट्रांसफर डिवीजन हो रहा है जाइगोट में, जो कि क्या बना रहा है, एंड फॉर्म्स एपिबेसल एंड हाइपोबेसल सेक्शंस बना रहा है। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो जाइगोट है उसमें ट्रांसफर्स डिवीजन हुआ, पहला डिवीजन जिसमें एपिबेसल सेल बना और हाइपोबेसल सेल बना। ठीक है, दो सेल, दो सेक्शंस का फॉर्मेशन हुआ है। अब क्या हो रहा है कि ये एपिबेसल जो है वो डिवाइड करता है ट्रांसवर्सली एंड हाइपोबेसल वर्टिकली। एपिबेसल में जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है और हाइपोबेसल में वर्टिकल डिवीजन हो रहा है, और ये फोर सेल की स्टेज बन रही है जिसको क्वाड्रेंट स्टेज भी कहा जाता है। फिर फर्दर सेम वही चीज़ यहाँ आती है, तो यहाँ पे क्या, एट सेल का सेकेंड डिवीजन जो होता है वो एट सेल का स्टेज बनाता है। फिर एट सेल से कितनी बन रही है, ट्वेल्व सेल की स्टेज बन रही है। तो ऐसे ही जो है ये जो है डिवीजन्स होते जा रहे हैं और ट्वेल्व सेल की स्टेज बन गई। ठीक है, सेकेंड डिवीजन वर्टिकल डिवीजन टेक्स प्लेस एंड इन अपर रीजन फॉर्मिंग ट्वेल्व सेल्स। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया। अपर टीयर जो है वो क्या बना रहा है, जो हमारा अपर टीयर है वो हमारा कैप्सूल बना रहा है, और जो मिडिल है बीच का है वो मिडिल टीयर वो सीटा बना रहा है, और जो नीचे का रीजन है वो हमारा फुट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ स्पोरोगोनियम का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपर टीयर जो है उसने कैप्सूल बनाया, फिर लोअर वाला सीटा, मिडिल वाला सीटा और लोअर वाला फुट। तो यहाँ तक जो है हुआ हमारा डेवलपमेंट स्पोरोगोनियम का। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, द अपर मोस्ट डिवाइड्स बाय एंटीक्लिनल एंड पेरिक्लिनल डिवीजन। अपर मोस्ट वाले में डिवीजन हो रहा है एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल, जिसमें एम्फीथीसियम बन रहा है और एंडोथीसियम बन रहा है। इस एम्फीथीसियम में कैप्सूल वॉल बनती है और एंडोथीसियम बनाता है आर्कीस्पोरियम। एंडोथीसियम वाला पार्ट जो है आर्कीस्पोरियम बना रहा है। इस आर्कीस्पोरियम में 50% सेल जो है वो स्टेराइल होते हैं और 50% जो होते हैं वो फर्टाइल होते हैं। स्टेराइल वाले जो 50% होते हैं वो इलेटर्स बनाते हैं। ठीक है, इलेटर्स बनाते हैं, और 50% जो फर्टाइल सेल होते हैं वो स्पोर मदर सेल्स बनाते हैं। ये इलेटर मदर सेल बनाते हैं और ये स्पोर मदर सेल्स बनाते हैं। फिर उसके बाद इनसे स्पोर्स बनता है और इलेटर मदर सेल से इलेटर्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ तक हो गया डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोगोनियम। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें स्पोरोगोनियम की, तो स्ट्रक्चर में क्या आता है कि सबसे पहला पार्ट आ जाता है कैप्सूल का। कैप्सूल है जिसमें स्पोर जो है वो टेट्राड कंडीशन में बनते हैं, यानी कि चार के कंडीशन में बनते हैं, और इलेटर्स जो है वो उनके साथ साथ प्रेजेंट होते हैं। कैप्सूल हुआ, कैप्सूल की वॉल प्रेजेंट है। फिर मिडिल वाला पार्ट जो है वो हमारा सीटा बनाता है, और जो लोअर टीयर होता है वो हमारा फुट कहलाता है। अब बात करते हैं स्पोरोगोनियम के स्ट्रक्चर की। स्पोरोगोनियम के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल में ही स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि स्पोर्स का फॉर्मेशन करती हैं, उनमें इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है सीटा, सीटा के बाद हमारा आता है फुट। तो ये तो हुआ स्ट्रक्चर हमारा स्पोरोगोनियम का। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं पॉइंट वाइज। कैप्सूल कैसा होता है, कैप्सूल ग्लोबोस स्ट्रक्चर टाइप का होता है। ठीक है, कैसा होता है, ग्लोबोस स्ट्रक्चर है ना, ऐसा फूला हुआ, विच इज प्रोटेक्टेड बाय कैप्सूल वॉल विच इज डबल लेयर। और ये एक कैप्सूल वॉल जो है डबल लेयर की कैप्सूल वॉल से प्रोटेक्टेड होता है। कैलिप्ट्रा या पेरियांथ जिसको बोलते हैं ऑल्सो डबल लेयर की होती है। ठीक है, कैलिप्ट्रा जो प्रेजेंट होती है वो भी डबल लेयर की होती है। कैप्सूल हैज ट्यूब लाइक इलेटर्स। कैप्सूल में क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्यूब के तरीके के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ट्यूब लाइक इलेटर्स होते हैं विच आर अटैच टू द रूट एंड फ्लोर ऑफ द कैप्सूल, जो कि किससे अटैच होते हैं, कैप्सूल के फ्लोर से यानी कि रूट से अटैच होते हैं। इट इज ब्रॉड टूवर्ड्स द अपर एंड एंड हैज स्पाइरल थिकनिंग, और इनमें अपर एंड के साइड ये ब्रॉड होते हैं और इनमें स्पाइरल थिकनिंग होती है। ठीक है, इलेटर्स की बात हो रही है, यहां तक समझ आया। नेक्स्ट लाइन आती है कि द स्पोर मदर सेल्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन टू इलेटर्स अरेंज इन पैरेलल रोज।
यानी कि जो स्पोर मदर सेल्स होती हैं वो दो इलेटर्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं। जैसे ये इलेटर्स हुए, इनके बीच में स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो स्पोर मदर सेल्स जो है 2N की कंडीशन होती है, डिप्लॉयड नेचर की होती है, अंडरगोज मियोटिक डिवीजन यानी कि मियोसिस हो रहा है और वो स्पोर टेट्राड बनता है। ये जो है मियोसिस होकर के इसमें क्या बनता है, स्पोर जो है वो टेट्राड की कंडीशन में यानी कि 4 की कंडीशन में बनता है। द स्पोर स्टार्ट्स जर्मिनेटिंग इनसाइड द कैप्सूल। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टर्म जो है बहुत अच्छे से समझिए कि जो स्पोर्स जो जर्मिनेट कर रहे हैं स्पोर मदर सेल से वो कैप्सूल के अंदर ही हो रहा है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं प्रीकॉक्सियस कंडीशन या प्री मैच्योर जर्मिनेशन। यानी कि जब स्पोर का जर्मिनेशन कैप्सूल के अंदर ही हो जाए तो ऐसी कंडीशन को प्रीकॉक्सियस या प्री मैच्योर जर्मिनेशन कहते हैं। टर्म क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है डेहिसेंस ऑफ कैप्सूल। अब कैप्सूल का डेहिसेंस कैसे हो रहा है, द डेहिसेंस ऑफ कैप्सूल बिगिंस विद द एलोंगेशन ऑफ सीटा। जैसे जैसे सीटा एलोंगेट करता है कैप्सूल का डेहिसेंस होता है। द कैप्सूल पियर्सेस द कैलिप्ट्रा और पेरियांथ। जो हमारा कैलिप्ट्रा या पेरियांथ वाला पार्ट होता है उसको कैप्सूल जो है पियर्स करता है ना, पियर्स करता है एंड कम्स आउट इन कॉन्टैक्ट विद एयर, पियर्स करता है और बाहर की तरफ आ जाता है हमारा कैप्सूल। कैप्सूल बाहर की तरफ, पेरियांथ से बाहर की तरफ निकल आता है। तो डेहिसेंस इन फ्रुलेनिया, फ्रुलेनिया में जो डेहिसेंस हो रहा है वो थोड़ा एक्सप्लोजिव नेचर का है ना, जैसे फट के बाहर आता है, एक्सप्लोजिव नेचर का है। क्यों एक्सप्लोजिव नेचर का है, बिकॉज द आउटर वॉल ऑफ कैप्सूल, जो कैप्सूल की आउटर वॉल है वो थोड़ी पतली है, ठीक है, और इनर वॉल जो है वो थिक है। तो इसकी वजह से रिजल्ट क्या होता है, एज अ रिजल्ट जो आउटर वॉल है वो सुखड़ जाती है मच मोर रेपिडली देन इनर वॉल। इनर वॉल थिक है, मोटी है, तो वो बाद में सुखड़ती है, उसके कंपैरिजन में जो आउटर वॉल होती है क्योंकि वो थिन होती है, थोड़ी पतली होती है, वो श्रिंक कर जाती है, ठीक। द इनर वॉल है सेलुलोजिक शीथ लाइक थिकनिंग। तो इनर वॉल में सेलुलोजिक शीथ की एक थिकनिंग होती है जिसकी वजह से कैप्सूल जो है स्प्लिट करता है कैसे, एक्सप्लोजिवली, यानी कि फट के बाहर आता है। जब फट के बाहर आता है तो कैप्सूल जो है बाहर जब आ गया तो वो 4 वॉल्स में डिवाइड हो जाता है। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कैप्सूल हमारा जो है जो बाहर आया एक्सप्लोसिवली, फट के जो बाहर आया वो 4 वॉल्स में डिवाइड हो गया, 1, 2, 3, 4। द वॉल्स बिकम्स कवर्ड एंड एज अ रिजल्ट द इलेटर्स ब्रेक फ्रॉम द बेस। वॉल्स जो है वो कवर्ड हैं सारी, तो उसके रिजल्ट में क्या हो रहा है कि जो इलेटर्स हैं हमारे वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, बेस से बाहर निकल आ जाते हैं। और वो इलेटर्स क्या करते हैं, इन स्पोर्स को थ्रो करने में हेल्प करते हैं, वो बाहर की तरफ फेंकने में, थ्रो करने में, हैवी स्पोर्ट्स को बाहर की तरफ फेंक देते हैं। और ऐसे जो है हमारे स्पोर्ट्स का डेहिसेंस होता है कैप्सूल से। तो यहां तक आपको चीजें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा सीटा। सीटा कैसा है, ब्रॉड है, ठीक है, सीटा ब्रॉड है, 8 celled इन डायमीटर होता है एंड नॉट वेल डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द कैप्सूल। कैप्सूल से बिल्कुल अटैच ही होता है, बहुत ज्यादा वेल डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते आप। सीटा एलोंगेट्स ड्यूरिंग डेहिसेंस, और डेहिसेंस के टाइम ही सीटा जो है एलोंगेट करता है, ऐसा ही पेलिया में भी होता है, ठीक है। फुट क्या है, फुट कैसा है, फुट इज एम्बेडेड इन द गेमेटोफाइट, गेमेटोफिटिक टिश्यू में एम्बेडेड होता है, उसमें धंसा हुआ होता है एंड फंक्शंस लाइक होस्टोरियम, होस्टोरियम की तरह फंक्शन करता है। इट एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिशन फ्रॉम गेमेटोफाइट, और वो क्या करता है, गेमेटोफिटिक टिश्यू में जब वो एम्बेडेड होता है तो वहीं से वो सारा न्यूट्रिशन गेन करता है, सारा न्यूट्रिशन ले लेता है और कैप्सूल को सप्लाई करता है ताकि कैप्सूल में क्या हो सके, स्पोर्स का फॉर्मेशन हो के और उनका डेहिसेंस हो सके। नेक्स्ट आता है हमारा स्पोर्स का जर्मिनेशन। अब जब स्पोर्स बन गए तो वो जर्मिनेट कैसे कर रहे हैं, तो स्पोर्स जर्मिनेशन इनसाइड द कैप्सूल, वो जो है प्रीकॉक्सियस कंडीशन है कि वो कैप्सूल के अंदर ही जर्मिनेट कर रहे थे, हमने ये पढ़ा है ना, प्री मैच्योर जर्मिनेशन होता है। द स्पोर कीप्स ऑन डिवाइडिंग इनसाइड द कैप्सूल माइटोटिकली टू फॉर्म ग्लोबोस प्रोटोनिमा। जो स्पोर्स है हमारे वो अंदर ही जो है इनसाइड ही माइटोटिकली डिवाइड हो रहे हैं और वो एक क्या, ग्लोबोस प्रोटोनिमा बना रहे हैं, ग्लोबुलर जो है प्रोटोनिमा बना रहे हैं और स्पोरलिंग कह सकते हैं उसको, ठीक है। व्हेन इट बिकम्स 50 सेल इन डायमीटर, जब इनका 50 सेल का डायमीटर हो जाता है, इट इज डिस्पर्स। व्हेन इट फॉल्स ऑन सूटेबल सबस्टेटम राइजोइड्स कम आउट, जुवेनाइल लीव्स अपियर एज द एक्साइन रप्चर्स। क्या होता है, यहाँ डायग्राम से थोड़ा समझते हैं, बहुत सारी ऐसे लाइन बाई लाइन नहीं समझ आएगा आपको। जैसे हमारा स्पोर बन गया तो बाहर की लेयर एक्साइन कहलाती है, अंदर की एंटाइन कहलाती है, हमें सब पता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें अंदर ही अंदर कैप्सूल के अंदर ही डिवीजन चल रहा है, कैसा, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। तो माइटोटिक डिवीजन जब हो रहा है तो
कंटिन्यू होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। और जब 50 सेल का जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं ग्लोबोस प्रोटोनीमा। और ये जो है जब ये बनता है तो ये डिस्पर्स कर जाता है, ठीक है। जब ये किसी सूटेबल सबस्ट्रेटम पे गिरता है तो ये डिस्पर्स कर जाता है, और डिस्पर्स कर जाता है तो स्पोर्स बाहर आ जाते हैं, सॉरी फिर यही जो है स्पोर्स जो बाहर आए हुए होते हैं ये क्या बनाते हैं, एक नया जो है जुवेनाइल लीव्स बनते हैं, है ना। फ्रुलेनिया का एक नया प्लांट बनता है, नया एक ब्रायोफाइट बनता है, समझ सकते हैं। और वो कैसा बनता है, जुवेनाइल लीव्स, छोटी छोटी लीव्स अपियर होती हैं, एग्जाइन जो है रप्चर कर जाती है, बाहर की साइड रप्चर कर जाती है तो जुवेनाइल लीव्स बनती हैं, तो एक नया फ्रुलेनिया का फॉर्मेशन होता है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई हो। अगर आपको फ्रुलेनिया का हर टॉपिक क्लियर हो गया हो, सारी बातें सारे पॉइंट समझ आ गए हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा कवर करूं। थैंक यू।